आज की कहानी है सोने का पिंजरा। एक शहर में कपड़े का एक व्यापारी था, उसका नाम दीपचंद सेठ था। आसपास के गांव के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आते। दीपचंद सेठ कभी कभी अपने ग्राहकों को कपड़ा उधार भी देता था, इसलिए आसपास के गांव में सेठ को उग्राही करने भी जाना पड़ता था। एक बार दीपचंद सेठ एक गांव में उग्राही करने गए। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठ गए और थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का समूह देखा। हरे रंग, लाल चोंच, गले में काली पट्टी वाले तोतों को देखकर सेठ ने सोचा, कितने सुंदर हैं ये तोते, एक दो तोतों को साथ लेता जाऊं, घर में सभी को बहुत अच्छा लगेगा। यह सोचकर सेठ ने अपना गमछा तोतों के झुंड पर फेंका और एक तोता पकड़ लिया। इस तोते को सेठ अपने घर ले आए। दीपचंद सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का एक सुंदर पिंजरा बनवाया। उसमें तोते के लिए बैठक और एक झूला लगवाया। पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी तश्तरी भी बनवा दी। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा। उसे अमरूद, मिर्च आदि सभी मनपसंद वस्तुएं खाने को मिलने लगी। घर के बच्चे तथा दीपचंद सेठ तोते से बातें भी करते थे। तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया। सबको बहुत आनंद आने लगा। दूसरी बार जब दीपचंद सेठ उगाही करने निकले तो उन्होंने तोते से पूछा, तोता राम, मैं उगाही करने जा रहा हूँ, लौटते समय मैं तेरे माता पिता और सगे संबंधियों से भी मिलूंगा, तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता। तोते ने कहा, सेठ जी, उनसे कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे में आनंद कर रहा है। दीपचंद सेठ उगाही कर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। तोतों का समूह उन पर टूट पड़ा। वे उन्हें चोट से मारने लगे। उनमें से एक तोते ने दीपचंद सेठ से पूछा, सेठ जी, हमारा तोता क्या कर रहा है? दीपचंद सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे में आनंद कर रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। दीपचंद सेठ उनके पास गए। उन्होंने तोतों को हिला डुला कर देखा, पर ऐसा लगा जैसे सारे ही तोते आघात से मर गए हों। दीपचंद सेठ घर पर आ गए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों का हाल पूछा। दीपचंद सेठ ने कहा, तोता राम, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी लुढ़क गए, क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे में झूले से नीचे गिर पड़ा। सेठ जी ने यह देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ जी को लगा कि ये तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे के बाहर निकालकर थोड़ी दूरी पर रख दिया। मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, मैं आपका आभारी हूं, मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन वह पिंजरा था, मेरे लिए वह जेल थी। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुंच गया। उसे लौटकर आया हुआ देख सब बहुत खुश हुए। अब मुक्त वातावरण में तोता सबके साथ आनंद से रहने लगा। पिंजरा किसी को पसंद नहीं, सब खुली हवा में रहना चाहते हैं। धन्यवाद।